हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह के बज गए हैं 6:30 और मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच। आज मैं लंच में देने वाली हूँ बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़, लेमन राइस। तो बस राइस तो मैंने बना के रख ली है, तब मैंने सोचा चलो आज एक व्लॉग कर लेते हैं, 2-3 दिन से कोई व्लॉग नहीं किया था। और साथ में मूंगफली मैंने फ्राई कर दी है, क्योंकि लेमन राइस में ना मूंगफली डाल के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो उसके लिए। तो अभी बच्चों का लंच हो गया है तैयार, तो फटाफट से मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि हस्बैंड का चल रहा है नाइट शिफ्ट, तो आते ही नाश्ता करते हैं। 8:15 या 8:30 तक उनको नाश्ता चाहिए होता है। दक्षु दक्षु उठो बेटा, स्कूल जाना है, उठो। मैं आप तो रोज ऐसे करते हो, उठो। देखो आपकी मैम वीडियो कॉल कर रही है। उठो भाई, उठो भाई। नहीं जाऊंगी मैं। क्यों क्यों नहीं जाओगी? नहीं बेटा, स्कूल तो जाना पड़ता है ना। तो वीडियो कॉल क्यों नहीं किया? इस टाइम मैम भी तो तैयार हो रही होंगी आपकी। चलो उठो, नहीं तो भैया फर्स्ट आ जाएगा आज। नहीं जाना तो पड़ेगा। उठो। तो दक्षिता को जगाया मैंने, वो गई ब्रश करने, और उसके बाद से मैंने फटाफट से नाश्ता करने के लिए, रात में मैंने इडली और सांभर बनाया था, चटनी बनाई थी, तो थोड़ा सा घोल बचा था। तो आरुष ने बोला मम्मा डोसा बना करके ही दे दो बस, तो उसको डोसा और चटनी से उसने नाश्ता किया। और ये मैं बच्चों का लंच पैक कर दे रही हूँ फटाफट से। लेमन राइस ऊपर से मूँगफली रोस्ट की हुई है और साथ में फ्रेंच फ्राइज़। दक्षिता यहीं पर बैठी हुई थी मेरे पास में ही, और मेरे से बोल रही थी कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करूंगी लंच पैक करने में, तो वो भी साथ में रखवा रही थी मेरे साथ। तो खैर लंच वगैरह पैक करके मैंने बच्चों को तैयार करके भेजा स्कूल, और उसके बाद से फिर मैं आ करके नहाई धोई, झाड़ू लगाया, और उसके बाद से अपना नाश्ता मैंने निकाला। तो ये इडली रात में ही बच गई थी, तो इसको मैंने ऐसे ही नॉनस्टिक पैन में हल्का सा कट करके ऐसे ही गर्म कर लिया था। और वैसे भी इडली सांभर डोसा ये सब तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट फूड है, मैं कभी भी खा सकती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो अभी बज गए हैं 10:30, नाश्ता वाश्ता करके जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, और कपड़े लगाए हैं मैंने वॉश करने के लिए। कल शाम को ही सोचा था वॉश करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया था, तबीयत 2-3 दिन से थोड़ी सी डाउन है। और आज है 27 है आज, हाँ। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, और इतना ज़्यादा थक गई थी कि कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था। और रूम की हालत दिखाऊं, अभी मैंने सारी क्लीनिंग की थी दिवाली में, और रूम की हालत कुछ ऐसी हो गई है फिर से। और इधर का हुलिया देखो ज़रा, मतलब चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी एफर्ट्स कर लो, घर का हाल जस का तस हो जाता है बच्चे रहते हैं तो। तो खैर अभी बच्चे, ये प्रेस मैंने अभी यूनिफॉर्म प्रेस की थी बच्चों की, तो ये यहीं पे है, अभी इसको भी फोल्ड करके रखना है, ये सारा काम मुझे अभी फिनिश करना है। और इतना ज़्यादा थकान हो गया था, 2 दिन तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी, खूब सोई 2-3 दिन। दिवाली के दूसरे दिन से ही मैं खूब सोई हूँ, कोई व्लॉग नहीं, वीडियो बस इंस्टाग्राम रील्स 1-2 बनाई थी मैंने बस, उसके अलावा कोई व्लॉग नहीं, कुछ नहीं। तो आज मैं, अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सुतक्कड़ हो गई हूँ पूरी की पूरी, क्या बताऊँ। तो खैर होता है, अकेले जब सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना, और ऊपर से जब उसमें तबीयत बिगड़ जाए तो यही होता है। तो
तो खैर आपसे बातें करते करते मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो फटाफट से मैंने सुखा करके स्टैंड पे डाल दिया सूखने को। छत पर इसलिए नहीं ले गई ना, एक तो डबल चढ़ के जाना पड़ता है तो पैरों में लहूने लगता है दर्द, और ऊपर से आज मौसम था ख़राब, सुबह भी हुई थी बारिश, तो मुझे ये था कहीं फिर से होने लग जाएगी तो भाग के जाओ लेने। तो मैंने फिर से यहीं पे लगा दिया था सारे कपड़ों को सूखने के लिए, और उसके बाद से लगाया पोछा, तब तक फ़ोन चार्ज किया थोड़ी देर, और फिर आई थी मैं इस रूम को सही करने के लिए। दूसरे वाले रूम में तो हस्बैंड सोए हुए थे, तो पर्दा मैंने आज चेंज किया था, उस दिन ये वाला पर्दा सूखा नहीं था, मतलब ये दूसरे दिन मैंने धोया था तो सूखा नहीं था, तो आज इसको मैंने चेंज किया था। तो फटाफट से इस रूम को मैंने किया सही, और उसके बाद से बर्तन वगैरह वॉश किए किचन में, और भी सारा कुछ मैंने क्लीनिंग करी भी थी, लेकिन फिर भी सब कुछ बिगड़ गया था यहाँ पे। हेलो गाइस, अभी बज गए हैं 12:05, सारा काम मेरा हो गया फिनिश। अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे आ रही है नींद। सुबह उठी थी, रात में भी मैं मुझे सोने में 1 बज गए थे करीब करीब, और हस्बैंड की नाइट शिफ्ट चल रही है तो वो तो सो गए हैं, नाश्ता वाश्ता करे हैं, और थोड़ी देर न्यूज़ वगैरह देखते हैं फिर जाके सो जाते हैं अपना। बच्चे आएंगे, दक्षिता आएगी मतलब 2:30 बजे, आरुष आएगा 5 बजे, और तब तक मैं सोती हूँ या फिर इधर। 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो बनाया भी नहीं था, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, मैं थक गई थी अकेले सब कर करके। जैसा कि अपने व्लॉग्स में देखा ही होगा कि अकेले सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन का अच्छे से रेस्ट लिया था, बस यही बात थी। और 2-3 आज भी मेरा मन नहीं था अभी वीडियो करने का, लेकिन मैं सोचा चलो एक वीडियो बना करके आपको अपडेट कर देते हैं कि इसी वजह से नहीं बना रहे थे वीडियो। तो खैर अभी बज गए हैं 12, अब मैं सोऊंगी थोड़ी देर, और 1:30 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ दोपहर में, फिर उठ कर के तब खाना वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि अभी तो सारा काम निपट गया है। अब कपड़े वपड़े भी मैंने फैला ही दिए हैं, अब आराम से सोऊंगी, मोबाइल देखूंगी थोड़ी देर, फिर सोऊंगी। और बार बार मेरे पास एक ही रिक्वेस्ट क्यों आती है आप लोगों की फेस कवर वीडियो के लिए, मैंने मेन अपना चैनल बनाया था ब्लॉग के लिए, लेकिन बार बार फेस कवर, मतलब अभी दिवाली का मैंने ब्लॉग अभी जल्दी पोस्ट किया था, 26 को पोस्ट किया था, तो उसमें भी आया था फेस कवर वीडियो के लिए। मतलब क्या है फेस कवर वीडियो में, ऐसा मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मतलब फेस कवर वीडियो पे ही मेरे व्यूज़, जो भी अच्छे व्यूज़ हैं फेस कवर वीडियोस पे ही हैं, ब्लॉग पे किसी ब्लॉग पे अच्छे व्यू नहीं है अभी तक मेरे। 1.5 साल से मेरा चैनल राम भरोसे चल रहा है, अभी देखते हैं कब तक चलता है। बस मैंने अपने खाली टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए अपना चैनल बनाया था, लेकिन अब अच्छा लगता है करना, मतलब एक होता है ना आदत सी लग गई है, तो अब अच्छा लगता है वीडियोज़ करना, ना करो तो अपने आप को ही अजीब सा लगता है। अभी 2 दिन मैंने 26 हाँ दिवाली के दिन मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं, कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई, अजीब सा लग रहा था कि कोई काम ही नहीं, बस घर के काम हैं। फिर मैंने सोचा चलो आपको भी अपडेट दे देती हूँ, एक वीडियो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी छोटी सी, तो बस यही रीज़न था, इसी वजह से ब्लॉग नहीं मैं बना पा रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए। तो चलिए अभी कंटिन्यू करेंगे फिर से, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाइएगा आप लोग मेरे साथ, और इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।